हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक्नो भाईजान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया प्रोडक्ट लेकर आया हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बॉक्स ये स्पीडो कंपनी का एक कूलर है जो हमने आज रिव्यू के लिए आपके सामने लाए हैं, और इसका जो मॉडल नंबर है ये है अल्टीमा SP81। तो इस कूलर की क्या खास बात है, इसमें कौन सा प्लास्टिक यूज़ किया गया है, क्वालिटी कैसी है, और इसका टेस्ट भी हम करके देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि समर सीज़न लग गए और इसमें हम कूलर वगैरह बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, कूलर AC ऐसी चीज़ें और फ्रिज वगैरह बहुत इसमें बिकते हैं। तो आज इसका हम रिव्यू करके देखेंगे ताकि अगर आप इसको खरीदना चाहे तो आपको एक आइडिया आ जाए कि ये ठीक है भी या नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो आज का शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉक्स पे हमको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो नीचे साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिया गया है, यानी टैंक कैपेसिटी जो है तो 81 लीटर इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद में फैन ब्लेड साइज जो है तो 380 mm इसके अंदर ब्लेड यूज़ किया गया है, और बेड लेवल एयर थ्रो है, यानी आपकी जो पलंग की लेवल रहेगी उसके ऊपर ये हवा देगा आपको। और अगर आप देखें पावर फुल जेट फैन इसके अंदर यूज़ किया गया है, वर्जिन मटेरियल यूज्ड इसमें, यानी जो मटेरियल इसको बनाने में यूज़ किया गया एकदम फ्रेश है। और अगर आप देखें यहाँ पर तो डस्ट स्टॉक और रस्ट प्रूफ है, ये बॉडी इसकी जो है तो डस्ट नहीं पकड़ेंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पर ज़्यादा मैल वगैरह धब्बे नहीं लगेंगे, इसकी बॉडी ऐसी है। साइड में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये ISO सर्टिफाइड है ये, ठीक है। इधर देखेंगे इसमें जो जाली साइड में आती है उसके अंदर यूज़ किया गया तो हनीकॉम कूलिंग इसके अंदर यूज़ किया गया है। 3-way स्पीड कंट्रोल इसमें है, और इसके कॉस्टर्स जो है ईजी मोबिलिटी के लिए, यानी इसके अंदर जो चक्के दिए गए नीचे आसानी से आप इसको कहीं पर भी ढकेल सकते हैं। और मोटराइज्ड इसके अंदर जो है तो लॉवर्स जो है इसमें मोटराइज दिए गए, यानी जो उसके फ़ैन के जो उसकी जाली आती है वो। और नीचे देखिए वर्क ऑन इन्वर्टर, तो अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो आप उसके ऊपर भी इसको चला सकते हैं, अगर पावर चली जाती है तो आप इन्वर्टर के थ्रू भी इसको चला सकते हैं। और आइडियल फॉर इंडोर एंड आउटडोर, यानी इसको इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके पीछे मिल जाती है। यहाँ पर इसका जो मॉडल है अल्टीमा है, उसके अंदर वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद में नीचे और देखिए तो प्राइस है। तो ये सब चीज़ें इसके बॉक्स के ऊपर दी गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स कर देते हैं हम, और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हमको मिलता है बॉक्स के अंदर से निकालने के बाद, इसकी पैकिंग वगैरह हमने देखी है तो काफ़ी अच्छी पैकिंग के अंदर हमको आया है। और ये बबल रैपिंग है अभी, तो इसको भी निकाल देते हैं हम। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने इसको बॉक्स से बाहर निकाल दिया है, सारी इसकी जो पैकेजिंग वगैरह थी सब उसको हमने अनरैप कर दिया है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये है हमारा कूलर, और काफ़ी स्टाइलिश कूलर है ये। और इसमें आप देखेंगे तो वाइट कलर के ऊपर जो है तो ब्लू कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा इसके अंदर लग रहा है। और सामने की बॉडी आप देख रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 4 स्विचेस यहाँ पर मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें दिया गया है पंप के लिए दिया गया है, यानी आपको अगर पानी शुरू करना है या बंद करना है इसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद में स्विंग्स है, ये इसके जो यहाँ पर जो लगे हुए स्विंग्स है, आपको हवा किधर चाहिए, एक साइड में चाहिए, पूरे रूम में चाहिए, तो ऑटोमेटिकली स्विंग करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट स्विच इसमें जो दिया गया है वो मोटर का है, आप इससे इसकी पावर कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आपको स्पीड कितनी चाहिए, कितनी पावर में चाहिए, तो आप इसके हिसाब से यहाँ से आपके हिसाब से आप हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर का बटन दिया गया, यानी ऑन ऑफ आप इससे कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 स्विचेस सामने इसके दिए गए, और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब स्टैंड हम बढ़ाएंगे तो 2-3 इंच और बढ़ जाएंगे, यानी आपके बेड लेवल के तक के
एयर ये बराबर देगा। नीचे आप देखें तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है वाटर लेवल का, और इसकी जो कैपेसिटी है 81 लीटर का ये कूलर है। तो यहाँ से आप जब पानी इसमें के अंदर फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कितना पानी इसके अंदर है, तो 81 इसकी जो है तो कैपेसिटी है। चलिए साइड में देख लेते हैं हम कि साइड से कैसा लुक है इसका। तो साइड से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से लुक आएगा, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपकी कम जगह के अंदर भी एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सादी जो जाली या जो घास इस्तेमाल होती है कूलर के अंदर, तो वो इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर जो यूज़ किया गया है ये हनीकॉम कूलिंग पैड है इसके अंदर, यानी इसके अंदर जैसे जो शहद की मक्खी का छत्ता आता है तो उसके अंदर कैसी जो डिज़ाइंस होती है उस टाइप की डिज़ाइंस इसके अंदर बनी हुई है। और इसके अंदर जो तो बारीक बारीक वुड इस्तेमाल किया गया है, यानी लकड़ी है, और इतनी पतली है जैसे कार्डबोर्ड के जैसी, और उसके हनीकॉम तरीके से बना के इसे फिट किया गया है। तो तकरीबन 4 से 5 साल तक की ये टिकती है, इसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके पहले भी वीडियो के अंदर हमने देखे थे तो उसके अंदर भी यही हनीकॉम लगी हुई थी। पीछे साइड पे देखें तो उसी तरीके से है, यहाँ पर आप यहाँ से आप इसके अंदर पानी फील करेंगे, ठीक है, और इधर साइड से भी आप अगर पानी वगैरह चेक करना है ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक होल दिया गया है और स्क्रू यहाँ पर दिए गए, अगर आपको रिपेयरिंग वगैरह कराएं तो आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। साइड में और देखें हम तो उसी तरीके से इसका लुक दिया गया है, यहाँ पर वार्निंग वगैरह इसकी दी गई है, और इसके साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं केबल लगा हुआ है, तो केबल अभी हम शुरू करके देखेंगे। तो और इसके साथ हम देखें तो एक स्टैंड आया है, तो वो स्टैंड मैं आपको बता देता कि इसको फिट कैसे करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ये स्टैंड है, तो इस तरीके से हमको इसको फिट करना है। तो सिंपली है, बहुत ही सिंपल है। तो स्टैंड के पहले हम जो है तो इसके अंदर जो व्हील्स हमको मिले हैं, इसके साथ में हमको 4 व्हील मिले हैं ताकि आप इसको आसानी से इधर से उधर लेके जा सके। तो यहाँ पर हम पहले इसको फिट कर देते हैं चारों को भी। फ्रेंड्स ये हमने इसके अंदर फिट कर दिए, लेकिन एक बात बताओ, इसके अंदर जो है तो सफाई का ख्याल नहीं रखा गया। आप देख रहे हैं हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इसके स्टैंड के ऊपर लगी हुई है। कंपनी को चाहिए था कि इसकी फिनिशिंग अच्छी करके दे। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, स्टैंड के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, यानी जो प्लास्टिक यूजलेस है वो भी इसके साथ में आ गया है। इससे पता चला है कि इसके ऊपर जो स्टैंड के ऊपर ज़्यादा कंपनी ने ध्यान नहीं दिए, और इसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। चलिए जल्दी से अब इसके ऊपर रख देते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड कितनी इजीली मैंने इसके ऊपर फिट कर दिया हूँ, इसको सिर्फ उठा के मैंने रख दिया हूँ और ये एकदम से इसमें फिट हो गया है, ठीक है। और आप देखिए अब कि कितनी आसानी से हम इसको यानी मूव कर पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कितना इजीली हम इसको मूव कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप ऊपर साइड में देखें तो इस टाइप का इसका शेप है, और अगर आप इसके पीछे साइड में देखें तो यहाँ पर आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। ऐसे 2 हुक दिए गए जिससे आप इसको पकड़ सकते हैं, आपको बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये 2 हुक है जिससे हम इसको आसानी से इस तरीके से पकड़ सकते हैं। कूलर की ओवरऑल बात करें हम तो देखने दिखाने के अंदर अच्छा है, प्लास्टिक क्वालिटी भी इसके अंदर अच्छी यूज़ की गई है, और इसके अंदर जो वाइट के ऊपर ब्लू यानी मरीन कलर जो यूज़ किया गया है इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत ही लाइट वेट है, कहीं पर भी आप आसानी से लेकर जा सकते हैं। साइज़ में बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, और 81 लीटर का है, यानी अच्छा खासा पानी इसमें लग बैठ जाएगा जिससे आपको ज़्यादा देर तक की ठंडक मिलेगी। तो ये सारी सब चीज़ें हैं इस कूलर की। तो चलिए इसको एक बार शुरू कर लेते हैं हम, और देखते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है या नहीं, और एयर कहाँ तक के जा रही है, तो ये चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने इस कूलर को पावर दे दिए है, अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम कि कैसे इसके सारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन है, तो इसको जैसे मैं कर रहा हूँ तो देखिए इसकी आवाज़ आप तक के पहुँच रही होंगी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्विंग्स यहाँ पर दिए गए ये भी हरकत कर रहे हैं, आपको दिखेंगे। देखिए अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके स्विंग भी काफ़ी अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं, और यहाँ से वापस मैंने ऑफ कर दिया हूँ। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मोटर है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, लो है, मीडियम है और हाई है, ठीक है। तो आप इसके आपके हिसाब से आपके माहौल के हिसाब से आप इसको स्पीड कम ज़्यादा इसकी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुरू किया हूँ मैंने, ठीक है,
ये वापस ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ठीक है, हो गया। इसके बाद में मोटर की स्पीड यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर हर बटन के ऊपर एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये कहाँ पर है ये इंडिकेट करेगा, ये पॉइंट इसके ऊपर दिया गया है जो बटन के। तो यहाँ पर मोटर है लो, फिर मीडियम, फिर हाई, ये स्विंग्स है। आपको सिर्फ पानी शुरू करना है तो आप पंप का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप पंप यहाँ से एडजस्ट करेंगे पानी के लिए, और स्विंग का यहाँ से एडजस्टमेंट आप करेंगे। तो इस तरीके से चार स्विच इसके दिए गए। हवा की देखें हम बात, तो काफ़ी स्पीड वगैरह अच्छी है इसकी, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो मेरे को लो क्वालिटी ये लगी है कि इसके अंदर जो चीज़ें जैसे स्विंग यूज़ किए गए तो ये थोड़े पतले हैं, और इसके अंदर जो जितना जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक हो जाता है, यानी जो मशीन से कटाई वगैरह होती है, तो उसको ठीक से साफ़ नहीं किया गया। यानी जो स्विचेस देखें हम, तो इसके ऊपर भी प्लास्टिक लगा हुआ है, जो एक्स्ट्रा का प्लास्टिक है वो लगा हुआ है, और बहुत सारी जगहों के ऊपर जैसे स्टैंड के ऊपर हमने देखा कि एक्स्ट्रा का प्लास्टिक लगा हुआ है। बाकी ओवरऑल देखें हम तो दिखने में खूबसूरत है और अच्छा कूलर है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसके प्राइस भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से जाकर आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपको एक आइडिया आऊँगा कि स्पीडो कंपनी का कूलर ख़रीदना चाहिए या फिर कोई अदर जो कंपनीज़ है उनकी। प्राइस की हम बात करें तो जो अदर कंपनीज़ है उनसे इसकी प्राइस थोड़ी कम रहेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर नहीं रहता है, और YouTube पर भी स्पीडो कंपनी के वीडियोस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये जो कूलर था ये इसीलिए मैंने आपके सामने लाया था कि आपके पास एक और ऑप्शन हो जाए। तो मैं फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे इस चैनल टेक्नो भाईजान को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर विजिट करते रहिए। और सबसे लास्ट में अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।